ठीक है। सारण जिले के पारसा प्रखंड के भलोइया गांव निवासी शिक्षक सतेंद्र यादव, पत्नी शिक्षिका इंदु कुमारी की जुड़वा पुत्री तन्या यादव तथा हर्षाली यादव ने नीट की परीक्षा में सफलता हासिल कर माता पिता के साथ शिक्षकों का नाम रोशन किया। नीट की परीक्षा में तन्या कुमारी ने 640 अंक तथा हर्षाली कुमारी ने 600 अंक प्राप्त किया। परीक्षा में सफलता की सूचना मिलते ही माता पिता ने दोनों पुत्रियों को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। तन्या यादव तथा हर्षाली यादव ने सफलता का श्रेय माता पिता तथा शिक्षकों को दिया। इस मौके पर प्रोफेसर विमल प्रसाद मुखिया, गायत्री देवी, शिक्षक उपेंद्र कुमार, शिक्षक अजेंद्र कुमार, समाजसेवी अभय कुमार आदि ने मिठाई खिलाकर दोनों छात्र छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य की कामना किया। मैं अपने सफलता का श्रेय सबसे पहले अपने मम्मी पापा को और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं और दोस्तों जिन्होंने मेरी मदद की पूरे दो साल के अंदर, मेरे टीचर्स ने जिन्होंने मुझे गाइड किया। आपकी प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? मैंने मैट्रिक पटना के सेंट पॉल स्कूल से की है एंड फिर इंटर की परीक्षा मैंने यही म्यूनिसिपल कॉलेज से दी थी, बिहार बोर्ड। आपके मन में कैसे जिज्ञासा है कि मैं मेडिकल कोर्स ही करूँगी? मेरा बचपन से ही मन था कि मैं डॉक्टर बनूँ। वैसे मेरे नाना जी भी डॉक्टर हैं तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली थी एंड मम्मी पापा ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया शुरू से ही, तुम्हारा जो मन है तुम वही करो। अच्छा, आपकी जो इच्छा है मेडिकल में जाने के लिए, तो इसमें कौन कौन अलग अलग भावनाएं आती हैं, आप किस भावनाओं से प्रेरित होकर आप मेडिकल में तैयारियां करना चाह रही हैं? यहाँ पे मैं गांव में जो लोग होते हैं उनका सपोर्ट करना चाहती हूँ एंड फिर मुझे नाना जी से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली थी। आपका क्या नाम हुआ? तन्या। तन्या जी, ये बताइए कि आपने मेडिकल कोर्स ही क्यों चुना? मेडिकल में मुझे लोगों से सिविल ह्यूमैनिटेरियन के थ्रू मुझे लोगों को सपोर्ट करने में हेल्प मिलेगी, मैं लोगों को सेवा कर पाऊँगी। मेडिकल लाइन में किन विभाग का आप डॉक्टर बनना चाहती हैं? वो तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, आगे उसमें जिसमें भी मेरा इंटरेस्ट होगा मैं उसी में जाना चाहती हूँ। आप दोनों जुड़वा बहन हैं, आप दोनों एक साथ पढ़ाई किए हैं, क्या आपको लग रहा था कि हम लोग सेम सेम ऐसा रिजल्ट ला सकते हैं? नहीं, पहले तो नहीं लगता था, फिर धीरे धीरे जब हमारा स्टडीज़ में सब अच्छा होने लगा तो लगा कि नहीं हम लोग कर सकते हैं, फिर बाद में टेस्ट में भी फिर अच्छे मार्क्स आते थे तो थोड़ा मोटिवेशन मिला। पहले शुरू में तो बिल्कुल नहीं लगता था, फिर बाद में जाकर टेस्ट में जब अच्छे मार्क्स आने लगे फिर सबका सपोर्ट रहा इस वजह से। आप अपना सफलता का श्रेय किनको देना चाहती हैं? मैं भी अपने सफलता का श्रेय अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली रिलेटिव्स और टीचर्स को देना चाहूँगी कि मैंने मेरे इन दो साल के फैमिली। आप नीट की तैयारी जो की थी किस इंस्टीट्यूट से और कहाँ से की थी? मैंने नीट की तैयारी 11th स्टैंडर्ड से स्टार्ट की थी, पटना आकाश इंस्टीट्यूट से। आपकी एग्ज़ाम कब कई तारीख को हुआ था? नीट का एग्ज़ाम 12 सितंबर को था। आपकी जुड़वा बेटी ने नीट में अपना एक अच्छा परफॉर्म दिया है, यहाँ का नाम रोशन किया है, इस संबंध में आप अपने पुत्री के लिए और समाज के लिए क्या कहना चाहती हैं? मैं अपनी पुत्री के लिए यही कहूँगी कि मेरी बेटी इतना होनहार बने और इतना अच्छा करे कि मतलब समाज की सेवा कर पाए, और मेरी बेटी के होनहार होने में सबसे ज़्यादा अपने पापा को कहूँगी, मेरे पापा ने एक चीज़ मतलब बताया था। अच्छा, आजकल जो है लड़कियां को लोग बहुत ज़्यादा डेवलप करना नहीं चाहते हैं, सीमित पढ़ाई करके ही अपने घरों में शादी ब्याह कर देते हैं, आपके मन में ये कैसे जिज्ञासा आई कि मैं अपने बेटी को बहुत आगे तक ले जाऊंगी मेडिकल कोर्स ये वगैरह कराने का प्रयास, आपने कैसे सोचा? मेरे मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, मेरी बेटी चाहिए मैंने सपोर्ट किया। आगे जो है इन लोगों का जो इरादा है पढ़ाई करने का, तो आप लोग क्या इसमें सोच रहे हैं? हम लोग शुरू से सपोर्ट किए हैं अपनी बेटी का, आगे भी करेंगे। एक शिक्षक हैं और आपकी जुड़वा बेटी ने नीट में एक अच्छी सफलता हासिल करके आपका नाम रोशन किया है, इसके संबंध में आप क्या कहना चाहिए? कहना क्या है, मैंने कि पता चला मैंने कि मेहनत किया है लोग, पता चला रुचि था मेडिकल में जाने के लिए,
लोग जाते हैं, मतलब लगाया है।